गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 26 है और आज के इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। और जो आपका प्रश्न नंबर 6 है कुछ इस प्रकार है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में। अब ये हिमीकरण प्रक्रिया क्या होती है, जैसे हम किसी कमरे में एसी लगा दें तो क्या होता है, कमरे का तापमान जो है वो कम होने लगता है, ठंडा होने लगता है, कमरा जो है आपका ठंडा होने लगता है। तो किसी कमरे को ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम हिमीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से, मतलब जो कमरे कमरे का प्रारंभिक तापमान है, जो शुरुआती तापमान है, जब हमने एसी चालू नहीं की है तब जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात गर्मी है, प्लस 40 डिग्री सेल्सियस है। 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से की दर से कम करने की आवश्यकता है। और इसे जो है, जो हिमीकरण प्रक्रिया हमने शुरू की है, उस हिमीकरण प्रक्रिया में जो है हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो रहा है, वो कम हो जा रहा है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है घट रहा है। तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, तो 10 घंटे बाद आपको बताना है कि कमरे का कुल तापमान जो है वो कितना बचेगा, कितना रहेगा, कमरे में कितना तापमान शेष है आपको वो बताना है। तो शुरुआत करते हैं हम, कमरे का जो प्रारंभिक तापमान है जब हमने एसी ऑन नहीं की है तब 40 डिग्री सेल्सियस है। और हम जानते हैं कि हमने इस पाठ में, पूर्णांक वाले पाठ में, जो है जो चीज़ें बढ़ती हैं तब उनको हम धनात्मक पूर्णांक से लेते हैं और जहाँ पे तापमान घटेगा तो हम उसे ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। तो यहाँ पर हर घंटे जो है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो तापमान कम होने की दर को हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे। तो हर घंटे में जो तापमान घट रहा है वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम पूर्णांक के रूप में -5 लिखेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक घंटे में जो है -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो 10 घंटे बाद क्या होगा, अर्थात आपको 10 का गुणा कर देना है उससे, तो आपने 10 घंटे बाद जो है -50 डिग्री सेल्सियस, पहले जो है कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, अब कुल कम कितना हुआ, -50 डिग्री सेल्सियस, उसमें से कम हो गया। तो एक तरफ पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, अब हिमीकरण की प्रक्रिया के 10 घंटे बाद जो है -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आपको बताना है ये कुल तापमान अब जो है कितना बचा है। तो कुल जब भी आप प्राप्त करते हो तो आप जोड़ करते हो, तो हमने लिखा है 10 घंटे बाद कमरे का कुल तापमान, पहले प्रारंभिक तापमान कितना था प्लस 40 डिग्री सेल्सियस, फिर हमने उनका कुल निकालना है, जोड़ कर दिया, और 10 घंटे बाद तापमान कम कितना हुआ, -50 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर बाहर प्लस और माइनस असमान चिन्हों का असमान चिन्ह है, तो दोनों का गुणा करेंगे, तो जब भी असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है, तो जब भी एक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है तो हम उससे घटाव करते हैं, तो घटाव कर दिया हमने, 50 में से 40 घटाया, 10 प्राप्त किया, बड़ा अंक जो है 50 है और उसके साथ ऋणात्मक का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह लगाया, अर्थात 10 घंटे बाद जो है कमरे का तापमान जो है वो कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जब भी तापमान ऋणात्मक हो जाए, मतलब ठंडी की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाएगी, कमरे में जो है अच्छी खासी ठंडी महसूस होगी आपको। तो आज के इस वीडियो भाग में इतना ही, धन्यवाद। अगला जो प्रश्न नंबर 7 है वो ऐसे सवाल हमने इसके पहले वाली प्रश्नावली में भी किए हैं, तो आप जो है उसे होमवर्क में घर पे करेंगे। अब अगले वीडियो भाग में हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। धन्यवाद।